राम जी। भाई क्यों होता है दादा? भाई क्यों होता है? भाई क्यों? भाई क्यों होता है भाई? अंदर में भय होता है। आत्मिक स्थिति नहीं होती है तो भय होता है। भय होता है सबसे बड़ा मरने का। अब मरता देह है या आत्मा मरती है? देह मरती है। देह भान में है तो भय होगा, आत्मा अभिमान में होंगे तो भय नहीं होगा। जानते हैं हमारी आत्मा तो कैसी है? अजर अमर अविनाशी है। हमारी आत्मा को तो कोई भी कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। तो देहभान के कारण भय होता है। और ध्वजस्तंभ बनाया उसका अर्थ क्या है? शिवालय में शिव के मंदिर में ध्वजस्तंभ बनाया। ध्वज कहते हैं झंडे को, और स्तंभ कहते हैं यादगार को। जब जीत होती है तो झंडा बुलंद करते हैं, और झंडे को ऊंचा करने के लिए स्तंभ बनाया जाता है। उस स्तंभ के ऊपर झंडा गाड़ते हैं। तो सारी दुनिया में जीत दिलाने वाला कौन है? कौन है? शिव बाबा। तो ध्वज स्तंभ बनाया हुआ है। और भट्टी कब किया? 96 से लेकर के अभी तक मिले ही नहीं। लेकिन बहुत दिन हो गया, बिहार पहुंचे थे एक बार, वहां हमारा घर बहुत दूर पड़ जाता। बीच में गैप कर दिया क्या? तो इसमें दूसरे की क्या गलती? जब एक बार जान लिया, मान लिया, पहचान लिया, निश्चय पत्र लिख दिया तो डटे रहना चाहिए। भगवान बाप तो खुद आकर के मिलते हैं कि किसी के ढूंढने से मिलते हैं? 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 भक्ति मार्ग में 63 जन्म ढूंढते रहे, किसी को मिला क्या? नहीं। बच्ची थी मधुबन में, है चारों बच्ची में, तो उनसे मिलने के लिए माता जी बहुत नाराज हो जाती है। बोलते हैं चलिए बाबा से मिलना, बच्चों से मिलना जरूरी है, गंगा माता भी याद करेंगे। जब तक बोलने की लगती है भक्ति मार्ग में सब करते हैं, भाग न करना। भागते रहते हैं मिलता नहीं। और ज्ञान मार्ग में घर बैठे भगवान मिल जाता है, घर बैठे संदेश मिल जाता है, भगवान आया हुआ है। और आप कहते हैं कि मुझे याद करो, आप ट्रस्टी बन करके याद करो, ट्रस्टी बन करके
याद कर, हर बात में राय लेते रहो, बच्चों को शादी यादी करती है, माना थोड़े ही करते, मना नहीं करते हैं। अच्छा भाव, तुम्हें मकान बनाना है तो भी मना नहीं करते, तुमको शादी करना है तो तुम शादी करने के लिए भी मना क्यों करेंगे, करो शादी। बच्चा वैसा हो गया है, बच्चा वैसा हो गया है, अच्छी किया है। बच्चा रचना किसकी है, बच्चा किसरी की रचना है, तो रचयिता के कंट्रोल में रचना रहनी चाहिए या कंट्रोल से बाहर होनी चाहिए। क्यों बाहरी दुनिया का संग लगने दिया, बाहर की दुनिया का संग लगने देना या नहीं लगने देना ये माँ बाप की बात है या बाहर की दुनिया की बात है, तो अपनी गलती को सबके सामने क्यों बताते हैं। बाबा तो कहते हैं फॉलो फादर, ब्रह्मा ने क्या किया, ब्रह्मा बाबा के दो बच्चे थे, ज्ञान में नहीं चले तो क्या कर दिया, गेट आउट। कोई कोई बच्चा बड़ा दबंग है, वो तो मानता ही नहीं, वो कहता है तुम गेट आउट। यही बात है, देखो यही बात तब है जब अंदर बैठा हुआ है मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, भगवान का बच्चा नहीं। और मेरा बच्चा है तो लगाव है, अब भगवान के बच्चे तो आसुर भी हैं, बिच्छू टिंडन भी हैं, वो आत्मा नहीं है। तो बिच्छू टिंडन और सांप को गले में लगाया जाता है क्या, नहीं लगाया जाता, अखबार में निकाल दो, पुलिस में जाके रिपोर्ट कर दो, मेरा बच्चा नहीं है, मैं इसको फारकति देता हूं, मेरे कंट्रोल में नहीं है। गांव वाले क्या करेंगे, मकान बेच दिया, हम चाहते हैं ये लो मकान दुकान बेच करके हम ये चले। आप बोलते हैं कि ये तो अपना बच्ची को चार बच्चे, तो बोलने दो। अब भगवान के लिए दुनिया वाले क्या बोलते हैं, अब ब्रह्मा कुमार क्या बोलते हैं, तो भगवान डर के भाग जाएगा क्या। नहीं बाबा, मैं दिल्ली करता नहीं हूँ। डरता नहीं हूँ, अरे अभी तो कह रहे थे शादी करनी पड़ती है, अभी तो मुरली का पॉइंट सुनाया, कच्चा कच्चा पॉइंट पकड़ के सुना दिया। लड़का कहता है तुम क्या कहते हो, नहीं कहते तो यहाँ क्यों सुनाते हो, बता तो दिया, अखबार में फारकती निकाल दो, पुलिस में जाके रिपोर्ट करके आओ, बच्चा मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये मेरा बच्चा नहीं है, फारकती, उसको कोई हक ही नहीं रह जाता। अब गांव वाले क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, अरे भगवान आता है तो भगवान कलंक इधर बन के आता है, भगवान के बारे में अखबार क्या कह रहे हैं, आज टीवी वाले क्या कह रहे हैं, चैनल वाले क्या कह रहे हैं, तुम किसके बच्चे हो, भगवान के शैतान के, हाँ भगवान के, तो भगवान जैसे काम करो। हाँ और बच्ची कहाँ चली गई, बिहार गई, घर चली गई, किसने बुलाया,
अरे बच्चे को बुलाया किसने सरेंडर करने के बाद? तो फिर इसमें दूसरा कोई क्या करेगा? उल्टे काम करोगे तो नीचे ही गिरोगे। दावा कराने के लिए ले गए हैं? दावा भगवान नहीं कराता है, भगवान दवा नहीं कराता, तुम ही दवा करा पाते हो। भगवान के घर में बैठ करके बच्चों की चिंता, जिन्होंने भगवान को दे दिया उनको ज्यादा चिंता है, भगवान को चिंता नहीं है। कोई खांसी, खांसी खुर्रम तो भगवान ब्रह्मा बाबा को भी होता रहा, खत्म हुआ? जिस दिन मरे उस दिन तक भी खत्म नहीं हुआ। खांसी खुर्रम तो सबको होता रहता है, बच्ची को खांसी खुर्रम हो बड़ी भारी चिंता लग गई, भगवान के घर में से जाकर के उठा लाए, अब सब ठीक हो गया क्या? तो मैं कहता हूँ कि आपकी परिस्थिति गलत हो गया है, दान दे दिए, मैंने आप दान ले लिए, आप बाबा के घर में दान कर दिए बच्ची को, मैंने अपने घर में रख रहे हैं, इसलिए और परेशानी आपको हो रहा है। तो कितने साल से रख रहे हैं? दो साल हो गया। फिर गलती किसकी है? की गलती, माता जी की गलती। दान दे करके फिर वापस लिया जाता है क्या? यही बात मैं कहता हूँ, दान दे करके वापस लिए है, आपको हो गया। तो इसमें कहने की क्या बात है? दूसरों की बात तो मत कहो, तुम अपनी बात कहो, दूसरों का पोता मिलने मत निकालो, अपनी गड़बड़ी बताओ। बाबा यही लगता है आपको कुछ पैसा लेकर जो आए थे हमने दे दिया बाबा, कौन चला गया? अरे दूसरों की बात तुम मत करो, उनको छोड़ो, जिन्होंने गलती की है वो अपना भरेंगे भुगतेंगे। सागर पड़ गया तो पुल, नल नील में पुल बना क्या? तब बालक को उसका जाने के लिए पुल का जरूरत पड़ा, हनुमान की क्यों जरूरत? हनुमान है ताकतवर आदमी, समर्थ है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, जो समर्थ है वो तो कैसे भी करके अपना काम करेगा, लेकिन बाकी बंदर सब समर्थ थे क्या? हनुमान की तरह उतने ही पावरफुल थे है? अरे सारी राम की सेना एक जैसी होती है क्या? कोई कमजोर पुरुषार्थी होते हैं, कोई दमदार पुरुषार्थी होते हैं। तो जो दमदार हैं वो तो उड़ती कला में जाएंगे, उड़ करके चला गया हनुमान। अब सब तो उड़ती कला वाले नहीं है, तो जो उड़ती कला वाले नहीं है, दौड़ती कला वाले भी नहीं है, खड़े होने की भी बेचारों को ताकत नहीं है, तो उनको तो पुल चाहिए ना, तो पुल बनाया, उन बंदरों का नाम रख दिया गया नल नील। एक नीला था, नीला रंग, काला रंग, हरा रंग, विषैले रंग होते हैं, उनका नाम रख दिया नील। एक नल, नल में से पानी आता ढेर सारा, ज्ञान जल है ना, तो जिसमें से ढेर सारा ज्ञान जल आता है उसका नाम नल रख दिया है। दोनों ही बंदर, अब उनके हाथ से, बुद्ध रूपी हाथ से जो भी आत्मा निकलती थी ज्ञान लेकर के, वो हल्की फुल्की हो जाती थी। बल पत्थर बुद्धि है,
तो भी पत्थर बुद्धि होते हुए भी वो पत्थर कैसा हो जाता था, फूल की तरह हल्का हो जाता था। ऐसे पत्थरों को ज्ञान जल में तैराई दिया, उनसे पुल बन गया। एडवांस पार्टी से लेकर के और बेसिक का जो गढ़ है माउंट आबू, वहां तक वो ज्ञान का पुल बन गया। उधर की बातें इधर आती रहती हैं, इधर की बातें उधर जाती रहती हैं, लेकिन सब में इतनी ताकत नहीं है कि ऊंची उड़ान भर करके पुरुषार्थ करें। वो फिर हनुमान जैसे बंदरों का ही काम है, इसलिए पुल बनाया है। हनुमान को शासक, शक्तिशाली। हाँ, राम जो है वो भगवान नहीं है, भगवान समझ लिया है। राम किसकी पूजा करता है तो भगवान कौन हुआ है? शिव। कहां राम, कहां भगवान, अंतर तो बहुत पड़ जाता है। हनुमान जो था वो भी बंदर था, और राम को तुम क्या समझते हो, बड़ा बंदर नहीं था है? बड़ा बंदर था। तो जो बड़ा बंदर है, बाप समान है, वो पहले बच्चे को आगे बढ़ाएगा या खुद आगे बढ़ेगा? भगवान भक्तों को आगे बढ़ाता है या खुद आगे बढ़कर रहता है? बच्चों को आगे बढ़ाता है। एक पत्ते व्रतु श्री राम इसको कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। उनकी मर्यादा थी एक पत्नी में, दूसरी पत्नी नहीं बनानी है। 84 जन्म की बात नहीं है, संगम युग की बात है या 84 जन्म की बात है? ये रामायण है, ये महाभारत है, ये भागवत है, ये कहां की यादगार में बने हैं? संगम युग की यादगार में बने। तो संगम युग में जो राम के रूप में त्रेता में जन्म लेने वाली आत्मा है, वो एक को ही अपना बना करके रखती है, साजन सजनी के संबंध के रूप में, किसी दूसरे को नहीं बनाती है। वो कौन सी आत्मा है जो एक को ही अपना साजन बना के रखती है? सगायन है शास्त्रों में, बाबा ने भी बोला है, तुम सब द्रौपदियां हो, तुम सब सीताएं हो। ये किसी को नहीं बोला तुम राधाएं हो, क्योंकि राधा का कनेक्शन एक कृष्ण से ही होता है। राधा कहो पार्वती कहो, बात एक ही है। जो पार्वती के लिए शास्त्रों में गायन है, वरहु शंभु नति रहु कुंवारी, एक का ही वर्ण करके रहू जन्म जन्मांतर, तो वो सीता वाली आत्मा है जो त्रेता में राम के रूप में जन्म लेती है। मर्यादा पुरुषोत्तम ये गायन उसका है। और पंचमुख आंजनेय,
है, जैसे पांच मुखी ब्रह्म है वैसे पांच मुखी हनुमान बना दिया। हनुमान का पार्ट बजाने वाली आत्मा कोई दूसरी थोड़े ही है, ब्रह्मा की सोल ही इस समय प्रवेश करके राम वाली आत्मा के सारे कार्य संपन्न करती है। सूक्ष्म शरीर में ज्यादा ताकत होती है या स्थूल शरीर में ज्यादा ताकत होती है? राम वाली आत्मा का स्थूल शरीर और ब्रह्मा और कृष्ण वाली आत्मा का सूक्ष्म शरीर, तो सारा कार्य करके कौन दिखाता है? सूक्ष्म शरीरधारी या राम वाली आत्मा सारा कार्य करने के निमित्त बनती है? नहीं, ब्रह्मा की सोल ही सारा कार्य करती है, दास दासी बनकर के सारा कार्य करती है। हनुमान को क्या दिखाते हैं? राम का दास बनकर के दिखाते हैं। सबके लिए ये तो एक सिद्धांत बताया कि जब अति होगी तो अंत हो जाएगा। पापों की अति होती है तो अंत हो जाता है। पापों की अति कौन से युग में होती है? कलयुग में होती है। कलयुग में भी आदि में होती है या अंत में होती है? अंत में होती है, तो कलयुग का अंत हो जाता है। कलयुग तो क्या चारों ही युगों का अंत हो जाता है, कल्प का अंत हो जाता है। तो सारी दुनिया के लिए वो बात लागू होती है, ऐसे नहीं कि हम ब्राह्मणों के लिए ही लागू होगा अतिसो अंत, या बेसिक वालों के लिए लागू होगा अतिसो अंत, नहीं, कोई के लिए भी ये नियम लागू होगा। अति करेंगे तो अंत आ जाएगा। बोलो बोलो बोलो, टीपी गुडम में आके ठंड नहीं हो जाना। हाँ बाबा, क्या आओ? गांधी जी को क्या कहते? नरम नरम दल। हाँ गरम दल। विनाश कौन करता है? ज्यादा संग करेंगे तो विनाश करा दूंगा, ये कौन कहता है? ये गरम कहता है कि नरम कहता है? नरम कहता है, ये तो गरम ही कहेगा, ये तो गुस्से वाली बात। जो नरम है वो नरमी से बात करेगा या धमकी देके बात करेगा? तो नरमी से बात करेगा। आदि में सुभाष चंद्र बोस वाली आत्मा सफल नहीं हुई, और अंत में गांधी की आत्मा अल्पकाल के लिए सफल हो गई। कम से कम अंग्रेजी सरकार को निकाल के बाहर तो कर दिया। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में भी यज्ञ के आदि में जो बेहद का सुभाष चंद्र बोस है वो सफल नहीं हुआ, फेल हो गया। अब ब्रह्मा वाली आत्मा सफल हो गई, लेकिन अल्पकाल के लिए सफल हुई या सदाकाल के लिए राम राज्य आ गया? अल्पकाल के लिए सफल हुई। और जब रामी भगवान थे तो राम लक्ष्मण के साथ फंसे हुए थे। राम में जब भगवान रहते थे, राम भगवान होते ही नहीं है तो आपकी बुद्धि बोल रही है। राम भगवान नहीं थे, राम भगवान होते तो चार अवस्थाओं से नहीं गुजरते,
राम वाली आत्मा भी चार अवस्थाओं से गुजरती है, सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो। तमो बनते हैं तो नाग, और नागों की नागों से ही लड़ाई होती है। जैसे को तैसा मिलता है मुकाबला करने के लिए। और है जोर से बोलो, ये आगे वाले सुन ही नहीं रहे हैं। कन्या माताएं विचार सागर मंथन नहीं कर पाती। सब कन्या माताओं को क्यों समेल लिया है? सब कन्या माताओं की बात है या उन माताओं की बात है जिनकी सारी जिंदगी गृहस्थ के लोड में चली गई, बुद्धि घिस गई, उनकी बात है? जो कन्याएं और जो माताएं अपने जीवन में ज्यादा पवित्रता का पालन कर सकी, उनकी बुद्धि तो पवित्र रहती है, तो मंथन चलता रहता है। सभी की बात नहीं है, हाँ फिर भी जो मनन चिंतन मंथन है वो सेवा का आधार है। जो सेवा में ज्यादा लगा रहेगा उसका मनन चिंतन मंथन जरूर चलेगा। सेवाधारी बच्चे बाप को प्रिय हैं, बाप उन बच्चों को याद करते हैं, और जिन बच्चों को बाप याद करते हैं तो उन बच्चों को पावर कम मिलेगी या ज्यादा मिलेगी? है ज्यादा पावर मिलती है। बुद्धियोग की ज्यादा पावर मिलने के कारण उनकी मन बुद्धि भी ज्यादा काम करने लग पड़ती है। इसलिए मनन चिंतन मंथन खूब चलता है। कन्याओं माताओं की बात नहीं है, भाइयों की बात नहीं है, चाहे कन्या हो चाहे माता हो, आत्मिक स्थिति में रह करके सेवा करने की बात है। जो आत्मिक स्थिति में रह करके सेवा करते हैं उनको सेवा का फल मेवा मिलती है, खुशी मिलती है, ईश्वरीय खुशी मिलती है। और बाबा विनाश कब होगा? विनाश अभी हो सकता है? रास्ता चलते ट्रक की ठक्कर लगी और विनाश विनाश हो गया? थोड़ा थोड़ा विनाश नहीं है, पूरा पूरा माने 500 करोड़ दुनिया खलास हो जाए। अरे कैसा विनाश? अधर्मों का विनाश कभी होता नहीं। अधर्मियों का विनाश? अधर्म तो दुनिया में सभी हो गए, सारी दुनिया रावण संप्रदाय नहीं बन गई, सारी दुनिया में सब अधर्मी हो गए। देवी देवता सनातन धर्म वाले भी क्या बन गए? अधर्मी बन गए। तो किसकी बात कर रहे? सारी दुनिया की बात कर रहे हैं? दुनिया में अधर्म, अरे घर में भी, घर में और दुनिया में सारा और अधर्म उठते हैं। तो सारी दुनिया का विनाश कब होगा ये पूछने की बात है? 100 साल का संगम युग ज्यादा में ज्यादा नहीं बताया? बताया कि नहीं बताया? तो बता दिया, पहले से 100 साल का संगम है। तो विनाश 100 साल के अंदर होगा या बाहर होगा? 100 साल के अंदर होगा। त्रिनेत्री बाप के त्रिनेत्री बच्चे, बच्चे त्रिनेत्री बाप के त्रिनेत्री बच्चे, बीके वो बच्चे बीबी के ना, बीबी बी के ना। तीन नेत्र कहते हैं, दो तो स्थूल नेत्र हैं और तीसरा है मन बुद्धि का ज्ञान
भरपूर हो जाता है, मनन चिंतन मंथन चलने लगता है, तो समझो तीसरा नेत्र खुल गया। तो जिनका तीसरा नेत्र खुल गया उनका मनन चिंतन मंथन चलने लग पड़ा, इससे साबित होता है वो भगवान बाप के सर्विसेबल बच्चे हैं। उनका तीसरा नेत्र खुला हुआ है, आत्मिक स्थिति में रह करके सेवा करने वाले हैं, देहभान में रह करके जो सेवा होती है उससे दूसरों को दुख होता है या सुख मिलता है? दुख होता है। वो सेवा सेवा नहीं है, वो सेवा के नाम पर डिससर्विस हो जाती है। तो बच्चे भी त्रिनेत्री हैं और बाप भी त्रिनेत्री हैं। बाबा जो जो सरेंडर हो रहे हैं, कोई तो अपनी इच्छा से सरेंडर हो रहे हैं और कोई अपनी इच्छा से सरेंडर नहीं होते, उनके माता पिता सरेंडर करते हैं और कोई तो भाग करके आकर के सरेंडर हो जाते हैं। तो तीनों प्रकार के सरेंडर होने वालों में अच्छे कौन हैं? जो भाग के सरेंडर होते हैं वो अच्छे हैं, जो माता पिता के इच्छा से सरेंडर हो गए अपनी इच्छा से सरेंडर नहीं हुए वो अच्छे हैं, या जो भाग के भी सरेंडर नहीं हुए माता पिता के दबाव से भी सरेंडर नहीं हुए अपनी इच्छा से सरेंडर हो गए और माता पिता ने कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया वो अच्छे हैं? माता पिता ने सरेंडर कर दिया तो माता पिता का भाग्य बन गया, कि उन्होंने अपनी रचना को सरेंडर कर दिया। बल रचना बड़ी होती है भगवान के घर में पल करके, बड़े होने के बाद बुद्धि भी बड़ी हो जाती है, परंतु पूर्व जन्मों के संस्कार वैश्यावृत्ति के हैं। तो बाबा ने कहा कोई पूर्व जन्म की वैश्या है बल ब्राह्मण के यहां जन्म ले ले, ब्राह्मणों के यहां पालना ले ले, फिर भी वो कहां चली जाएगी? वैश्यावृत्ति की ही तरफ चली जाएगी। तो वो तो थर्ड क्लास हो गए, बाकी सेकंड क्लास वो हुए जिनके मां बाप जबरदस्ती शादी कर रहे हैं, माँ बाप को खुश नहीं कर सके, भागने की नौबत आ गई और घर वालों को त्याग करके जाकर सरेंडर हो गए। तो परिवार के लोग सुखी होंगे या दुखी हो जाएंगे? हैं? दुखी हो गए। फिर भी शादी करने से तो अच्छा ही हुआ, उनको दुख न दें और शादी करके बैठ जाएं तो अच्छा होगा, या उनकी इच्छा के बरखिलाफ भगवान के घर में जाकर बैठ जाए वो अच्छा हुआ? क्या अच्छा हुआ है? भगवान के घर, भगवान के घर में जाके बैठ जाए वो अच्छा है। तो मीडियम कहेंगे, और सबसे अच्छे वो हैं जो अपने परिवार वालों को भी खुश करें, अपनी स्वेच्छा से फैसला ले लें कि हम ईश्वरीय कार्य में सरेंडर होते हैं
तो लंबे समय तक चलेंगे। और शास्त्रों में दिखाते हैं कि कोई हरण करते हैं और कोई स्वयंवर करते हैं, तो इसकी वेद में शूटिंग कैसे होती है? शास्त्रों में जो कुछ दिखाते हैं वो सब सच्चा दिखाते हैं या झूठा भी दिखाते हैं? है, झूठा भी दिखाते हैं। रुक्मिणी हरण दिखाया, अब भगवान जाकर के हरण करने के लिए कोई के घर जावेगा क्या? जाता है, है? जो भी आने वाले होते हैं वो स्वयं आते हैं या भगवान उनको लेने के लिए जाता है? है? वो स्वयं आते हैं। तो शास्त्र में तो ढेर सारी बातें झूठी भी दिखाई गई। अब रही स्वयंवर की बात, तो जैसे राधा का पार्ट है, चंद्रवंशी में पलती है, सारा जीवन चंद्रवंशियों के अंडर में रहती है, भाग करके तो नहीं जाती। और कृष्ण जो संगम युग में कृष्ण है वो भी राधा को भगाने जाता है क्या? नहीं भगाने जाता। तो दोनों ही पार्टियों में, सूर्यवंशियों में और चंद्रवंशियों में, आखिरी इन तालमेल बैठता है, एग्रीमेंट होता है और स्वयंवर हो जाता है, उसको कहते हैं स्वयंवर। बाबा ने बोला है क्या लिख दिया, परदादी से ज्ञान धन नारायण को मिलता है। अरे नारायण को भगवान से मिलता है या परदादी से मिलता है? ये कहां से नया ज्ञान निकाल दिया? है ज्ञान धन नहीं मिलता है, धारणा का धन मिलता है। क्या मिलता है? धारणा का धन मिलता है। धारणा होती है तो नई दुनिया का फाउंडेशन लगता है परदादी के द्वारा। धारणा पक्की हो जाती है तो नई दुनिया का फाउंडेशन के मुकाबले नई दुनिया की स्थापना ही हो जाती है। इसलिए विजयमाला का आवाहन किया जाता है, क्योंकि परदादी तो फिर भी रुद्रमाला की है। चंद्रवंश से नहीं है, चंद्रमा ठंडा होता है और सूर्य, सूर्य गर्म होता है। परदादी तो फिर भी सूर्यवंश में है, रुद्रमाला का मणका है। तो राधा आती है चंद्रवंश से, जो राजधानी का पूरा फाउंडेशन लगाने में आधारभूत बनती है। बाकी ऐसा नहीं है कि राधा से या परदादी से नारायण बनने वाली आत्मा ज्ञान लेती है। ज्ञान नहीं लेती है, लेकिन प्योरिटी की पावर लेती है। नारायण को तो भगवान बाप से ही मिलता है, राधा को किससे मिलता है? लक्ष्मी को किससे मिलता है?
नारायण से मिलता है। ऐसे ही परदादी को भी किससे मिलता है? फर्स्ट मणके से मिलता है, परदादी दूसरा मणका है रुद्रमाला का या पहला मणका है? है दूसरा मणका है। तो पहला मणका दूसरे को देने के निमित्त बनता है ज्ञान। हाँ, जहां तक धारणा की बात है तो पुरुष चोला उतना धारणावान नहीं हो सकता, वो धरणी का रूप नहीं है, और स्त्री चोला धारणा का रूप है, धरणी का रूप है। इसलिए दिखाया गया है वो कुबेर है धारणावान। इसलिए भक्ति मार्ग में तिरुपति में जितना चढ़ावा जाता है मंदिर में, वो सारा का सारा चढ़ावा तिरुपति महाराज को किसे अर्पण करना पड़ता है? कुबेर को अर्पण करना पड़ता है। ये वर्तमान समय संगम युग की बात है, जो राजधानी का फाउंडेशन लगाया जा रहा है, उस फाउंडेशन में प्योरिटी की पालना करने वाली निमित्त मणका कौन है? है? अगर कहें राम वाली आत्मा, तो राम वाली आत्मा ने 2004 से पहले क्यों नहीं फाउंडेशन लगा लिया? जब काशी के रूप में निमित्त बनने वाली आत्मा यज्ञ में सरेंडर होती है, तभी नई दुनिया की राजधानी का फाउंडेशन लगाने के लिए निमित्त क्यों बनता है? तो यहां फाउंडेशन पड़ता है। जो प्योरिटी रूपी धारणा है, वो फाउंडेशन डालने के लिए निमित्त बनती है परदादी की, और परदादी की जो देन है वो उधार के रूप में आती है राम वाली आत्मा के ऊपर। नई दुनिया का फाउंडेशन लगाने के लिए निमित्त तो राम वाली आत्मा है, लेकिन आधार कौन बना? परदादी बनी। तो भर करके देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? है? तो भर करके देना पड़ता है। भक्ति मार्ग में सारा धन जो भी तिरुपति में चढ़ता है वो किसको देना पड़ता है? कुबेर को देना पड़ता है। अभी भी यज्ञ का सारा संचालन प्योरिटी से होता है या राम वाली आत्मा के द्वारा होता है? कैसे होता है? दुनिया के सारे काम कैसे होते हैं? प्योरिटी से होते हैं। इतना बड़ा परिवार एडवांस का, उस एडवांस के परिवार की पालना का निमित्त कौन बनता है? मां बनती है या बाप बनता है? माता बनती है। तो परदादी मां माता के रूप में पालना करती है। इसलिए भक्ति मार्ग में दिखाया है कि सती अनुसुईया का जो पवित्रता का विरुद्ध था, वो तीन देवताओं की सहयोगिनी शक्तियों से भी जास्ती था। इसलिए भक्ति मार्ग में जो गायन है वो संगम युग का फाउंडेशन है, जो बाबा ने नाम रख दिया योगिनी। इसलिए भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि शंकर की प्यारी नगरी दिल्ली नहीं है, बंबई नहीं है, इलाहाबाद नहीं है, कलकत्ता नहीं है, क्या है? काशी नगरी प्यारी नगरी है। जो भी आठ मणके हैं जो अष्टदेव का पद पाते हैं,
पहला मणका तो सूर्य हो गया, दूसरे जो सात मणके हैं वो घोड़ों के रूप में दिखाए गए हैं, जो सूर्य के सात घोड़े हैं, ये मनबुद्ध रूपी घोड़े हैं, जिनमें पहला घोड़ा है परदादी काशी नगरी कुबेर, यज्ञ के आदि में प्रैक्टिकल में मौजूद नहीं होती तो यहाँ कैसे आ जाएगी। जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, आठ की तो बात छोड़ो, 108 की भी बात छोड़ो, लेकिन जो भी यहाँ बैठे हुए हैं वो पूर्व जन्म में थे या नहीं थे यज्ञ में, हैं? थे, क्योंकि अगर नहीं होते तो ये कैसे सिद्ध हो सकता है कि पुरानी पुरानी दीदी दादियों की बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता और इनकी बुद्धि में वो ज्ञान बैठ रहा है। इससे साबित होता है कि पूर्व जन्म की जो ज्ञान की प्रारब्ध लेकर के ये आत्माएं आई हुई हैं इस जन्म में, इसलिए एडवांस ज्ञान को बड़े सहज रीत से उठा रही है। यही पहचान है, हाँ, छोटी माँ जो है वो यज्ञ के आदि में तो थी लेकिन बाद में शरीर छोड़ा है, बड़ी माँ ने भी बाद में शरीर छोड़ा लेकिन दोनों में अंतर हो गया। जो छोटी माँ है वो दो जन्म लेती है और बड़ी माँ तीन जन्म लेती है, तो अंतर पड़ जाता है। पहचान में भी अंतर पड़ जाता है। और योगिनी माँ का तो जन्म ही हुआ है 1783-81 में, वो बात जालंधर की तो है उस समय की जबकि ब्रह्मा बाबा और मम्मा दोनों जीवित थे। हाँ, हो सकता है कोई प्रूफ मिले तो वो भी पक्का हो जाए। रुद्रमाला में भी ऊंच पद बनता है और विजयमाला में भी ऊंच पद बनता है, रुद्रमाला में राजाई पद बनता है और जो चंद्रवंश से आते हैं उनका रानी का पद बनता है, मुरली में इतना इशारा जरूर दिया है कि उसके पति ने उसे कुल्हाड़े से मार डाला, बाप की याद में बच्ची गई तो उसका बड़ा ऊंच पद होगा। अब वो ऊंच पद रुद्रमाला में हो सकता है, विजयमाला में भी हो सकता है। और विजयमाला में आए तो ऊंच पद के रुद्रमाला में आए तो ऊंच पद के आए तो एक के अधीन होना बड़ी बात है या अनेकों के अधीन होना बड़ी बात है?
तो लक्ष्मी एक के अधीन होती है या अनेकों के अधीन होती है? फिर बाकी जो सात मणके हैं अष्ट देवों में, वो एक के अधीन होकर के रहेंगे या ज्यादा के अधीन होकर के रहेंगे? अष्टदेव जो जन्म जन्मांतर के साथी हैं, वो नारायण की बात मानेंगे, लक्ष्मी की बात नहीं मानेंगे? है? मानेंगे। तो दो के अधीन हुए या एक के अधीन हुए? और छोटी माँ की तरफ से तुम्हारा किससे कहा जाता है? तुम जो कहा जाता है वो चंद्रवंशियों से कहा जाता है या सूर्यवंशियों से कहा जाता है? तुम किसको कहा? सम्मुख बैठने वालों को कहा जाता है या जो दूर बैठे हैं उनको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? हीरो कहाँ है? हीरो हीरोइन में अंतर नहीं है? तो वो हीरोइन है, वो हीरो है। और है विश्व महाराजन लक्ष्मी बनेगी। वाह, लक्ष्मी महारानी बनेगी। हाँ, विश्व महारानी बनेगी, लेकिन महारानी जो है वो किसके अंडर में है? महाराजा के अंडर में। तो अंतर हो जाता है ना। और विश्व की महारानी होते हुए भी उसको राजमाता को रिगार्ड देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? एक होती है राजलक्ष्मी जो राजा के साथ बैठती है सिंहासन पर, और एक होती है राजमाता, साथ में तो नहीं बैठती है, भले अलग कुर्सी है फिर भी राजमाता की कुर्सी राजलक्ष्मी से ऊंची स्टेज में होती है या नीचे होती है? ऊंची स्टेज में होती है। तो भी अंतर पड़ जाता है। अपवित्रता माना क्या है भगवान? अपवित्रता का मतलब है व्यभिचारी बनना। मेरा तो एक शिव बाबा, ये है पवित्रता। एक चीज में दूसरी चीज मिक्स कर दी जाए, दूध में पानी मिला दिया, तो पवित्र या अपवित्र? अपवित्र। आठ के लिए बोला। हाँ, कुछ कह रहे? हाँ, देव मंदिर का सप्तवृक्ष का चित्र रखते शिव मंदिर के ऊपर सप्तवृक्षों का चित्र रखते हैं क्यों? शिव मंदिर के ऊपर सप्तऋषियों का चित्र रखते हैं, जैसे क्षीर सागर में विष्णु को दिखाते हैं तो विष्णु के ऊपर सर्प दिखाए हैं, ऊपर हैं या नीचे हैं? ऊपर हैं। ऐसे ही ये छत्र छाया के मुआफिक सदैव सुरक्षा करने वाले हैं, इसलिए उनको ऊपर रखते हैं। सुरक्षा करने वाला छाता ऊपर होता है या नीचे होता है? ऊपर होता है। जैसे हाँ, क्या? हाँ,
चिंता काम करे या सेवा करे, चिंता क्यों होता है? खुशी और होनी चाहिए हमको, सेवा मिली चिंता क्यों होगी? चिंता उसको होगी जो देवान के कारण अपने काम को विशेष महत्व दे रहा होगा, स्वार्थ के कार्य के लिए महत्व दे रहा होगा, उसको चिंता होगी, खींचतान पड़ जाएगी। वो तो पूर्व जन्म के हिसाब किताब हैं, अच्छे कर्म किए हैं अच्छी रील घूमती है, बुरे कर्म किए हैं बीच बीच में तो पुरुषार्थी जीवन में बुरी रील घूमती है। जब अच्छे कर्म उदय होते हैं तो ऑटोमेटिक याद आती है, अवस्था ऊंची बन जाती है, और बुरे कर्मों की रील उदय होती है तो कितना भी पुरुषार्थ करो अवस्था जमती नहीं है, नीचे ही जाती है। तभी नहीं होता है, इसका मतलब स्वार्थ ज्यादा खींचता है। कहना एक होता है लेकिन जब करने की बात आती है तो बात क्लियर हो जाती है। कथनी और करनी में अंतर आता है या नहीं आता है? आता है। अगला प्रश्न है, कन्या को सरेंडर करके माता पिता ले जाना नहीं चाहते हैं लेकिन कन्या के जिद करने पर माता पिता लेकर चले जाते हैं, तो क्या उनके माता पिता चंडाल बनेंगे क्या? अरे कैसे भी ले जाते हैं, ले जाते हैं तो मोह आ रहा है तभी तो ले जाते हैं। अगर मोह है ही नहीं, हमने जो चीज दे दी सो दे दी, मेरी नहीं है, देने के बाद किसकी है? जिसको दे दिया उसकी है, तो लेने जाएंगे नहीं लेने जाएंगे? तो मेरापन आता है तो चांडाल है, मेरापन नहीं आता है तो चांडाल। कोई ऐसे भी होते हैं लेने के लिए नहीं गए, कन्या जिद करके फिर भी किसी दूसरे के साथ चली गई, बाद में देखा कि वहां दुखी हो रही है और कन्या भी अपना दुखहरा रोती है मां बाप के सामने, तो वर्तमान पुरुषार्थियों के हिसाब से जो भी माता पिता हैं उनका मोह का विकार खत्म हो गया है या चालू है अभी भी? है कम से कम माता का तो जरूर रहता है, तो दुखी होकर के मां बाप उस कन्या को बुला लेते हैं क्योंकि जहां से सरेंडर हुई थी सरेंडर होकर के भी दूसरी जगह गई, वहां भी दुखी हो रही है, उसका दुख देखा नहीं जाता तो अपने पास बुला लेते हैं। तो मोह साबित होता है या नहीं होता है? है तो भी मोह साबित होता है। जब तक मोह रहेगा, जब तक कर्म बंधन रहेंगे तब तक मोह रहेगा। अरे परीक्षा होती है तो गांव वाले बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? परीक्षा नहीं लेंगे, रिश्तेदार परीक्षा नहीं लेंगे, वो परीक्षा बनकर के सामने आएंगे, तुम परीक्षा में पास होगी दिखाओ। ये भी होता है गांव से बाहर निकाल लेते हैं, मारते हैं पीटते हैं, तो क्या करना पड़े, गांव छोड़ देना पड़े या नहीं छोड़ देना पड़े? हैं? वो भी छोड़ देना पड़े।
क्यों कहते हैं ये बड़ी ऊंची चाढ़ी है, इसमें सब पास नहीं होते हैं। टोटल पास होने वाले कितने निकलेंगे? 8 निकलेंगे। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतेति सिद्धये, नर सहस्र कोटिनम को, कोई में से कोई और कोई में से कोई। चलो ओम शांति। हाँ बाबा बाद में, अब ब्रह्मा बाबा को मरने देना।